आदरणीय पंच कमेटी और इस मेला प्रांगण में बैठे हुए सभी श्रोता बंधुओं के चरणों में सत्यवीर सिंह की तरफ से नमामि नमस्कार, राम राम सा। सज्जनों, आपके सामने सभी गाने वाले बहुत ही सुंदर सुंदर बातें बता रहे हैं और बता रहे थे कि भैया कोई ऐसा प्रसंग नहीं है जो कि आपने 10-20 बार अपने श्रवणों द्वारा सुना नहीं होगा। लेकिन भैया धर्मवीर जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं दावे के साथ कि हम जो प्रसंग गा रहे हैं आज तक आपने किसी दूसरे गाने वाले के मुंह से सुना ही नहीं होगा। सुनिएगा, एक कवि ने बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा है, विचार करने वाली बातें, सोचने वाली बातें, समझने वाली बातें, के सपूत बेटी बेटा में सभी का सिर होता है, सभी का साझा होता है। कैसे ये सायर सपूत में साझा है सभी का, संतोष सुखी मत जानो, बिन संतोष सुखी मत जानो, ये बिन सुर ताल का कोई गावे, सरदारो टाइम कम है लेकिन अब अपने ध्यान को लगाएंगे एक समय पर कौन के भगवान श्री कृष्ण अपने दिल के अंदर विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं भैया जी? आपस में मर गए यदुवंशी, आपस में मर गए यदुवंशी, ये वीर बड़े बलधारी और दुर्भाषा ने श्राप दियो जो आए गए आज। सो कहा भैया जो मेरे आगे, सो कहा भैया जो मेरे आगे, मिट गए वंश हमारा और रह सोच मुरलिया। भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि आज मेरी आंखों के सामने सारे यदुवंशी मारे गए। इस बात को सोचते सोचते द्वारकापुरी को छोड़ करके बियाबान जंगल की तरफ प्रस्थान करते हैं। चलते चलते थक जाते हैं, एक पेड़ के नीचे लेटे हुए भैया धर्मवीर जी कैसे बनी।
एक भलिया नाम का शिकारी शिकार खेलने के लिए आ जाता है के मृगा लियो जान बदकने, ये मृगा लियो जान बदकने बाण समारो और पलकी करी न देर कृष्ण के पग में मुख से निकली हाय, ये मुख से निकली हाय और भारत वचन सुने काना के बलिया गयो। सो पास प्रभु के जाय शिकारी ये हाथ जोड़ के कह रहे सरदरो आज वो बलिया नाम का शिकारी और भगवान श्री कृष्ण के पैर के अंदर बाण मार देता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण के मुंह में से आवाज निकली है आज बलिया समझ गया कि मेरे हाथों से आज कोई इंसान मारा गया है। 101 रुपए की पुरस्कार दे रही है हमारी छोटी सी बच्ची शिवराम भैया की लाला लाली, इनके लिए बार बार धन्यवाद। आहा सरदारो बलिया समझ गया कि आज मेरे हाथों से कि इस किसी इंसान का वध हो गया है। आहा मेरे बंधुओं जहां भगवान श्री कृष्ण पड़े हुए हैं उसी जगह पर वो बलिया आ जाता है। आज जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को देखा है हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ है, आंखों में से आंसू आ गए, धाड़ मार मार करके रोने लगा और हाथ जोड़ करके रो रो करके भगवान श्री कृष्ण से एक बात कह रहा है, भैया धर्मवीर जी कैसे को पुरो नतीजा तारे उनाए
दूसरी बात कौन सी है? के हर शंकर बिन आई मौत तो जवाब दिया, कहा कह रहे बलिया इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आपका कोई कसूर नहीं है, यह तो आपका बहुत पुराना कर्जा मेरे सर के ऊपर था, आज मैंने उसे चुकाया है। बलिया हाथ जोड़ करके कहने लगा कि प्रभु मुझे तो कुछ मालूम नहीं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण बता रहे। बलिया सुन, मैं बताता हूं कि मैंने तेरे साथ में क्या किया था। भैया धर्मवीर जी क्या बताया? हाय त्रेता में अवतार, हाय त्रेता में त्रेता में अवतार, राम को मैंने ही धारो है, त्रेता में अवतार राम को मैंने ही धारो,
अवतारी है। मैंने दिया कर्ज चुकाई श्याम ने